इंडिया न्यूज। अब खबरें विस्तार से। होली का पर्व नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग प्रशासन लगातार मिलावटखोरी को रोकने हेतु जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं। लगातार टीम जगह जगह गोदामों पर दुकानों पर जाकर सैंपल ले रही है। कई टीमें जनपद में गठित की गई हैं। सर, होली का पर्व नजदीक आ गया है और ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, तो अगर फूड विभाग की तरफ से कितनी टीमें बनाई गई हैं उन मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए? हम लोगों ने यहाँ पे जनपद में 4 टीमें बनाई हुई हैं और जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कितना माल है जो पकड़ में आया है, वह कितना ऐसा माल है जिसकी सैंपलिंग की गई है? अभी हम लोगों ने लगभग 50 से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट किए हैं पिछले एक सप्ताह में, और 1.5 क्विंटल के करीब जो अलग अलग जगह मिठाइयाँ उन्होंने नष्ट करा दिया है, और कुछ माल हमने सील भी किया है जो जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें कार्रवाई। सर, 4 टीमें जिस तरीके से बनाई गई हैं, काफ़ी आबादी वाला क्षेत्र है गाज़ियाबाद, तो क्या उन सभी तक पहुंचना संभव हो पाता? देखिए, प्रयास है कि अधिकतम जहां से भी संभावना है मिलावट की वहां वो टीमें तत्काल एक्शन ले रही हैं, और जितनी संख्या वाले उसके हिसाब से हम 4 टीमें ही गठित कर पाए। सभी को नमस्कार और सभी क्षेत्रवासियों को मैं होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। होली का त्यौहार आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूं कि आप सभी ने इस चुनाव में बहुत सहयोग करा, बहुत मेहनत करी, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है, होली का पर्व भी आ गया है। इस बार की होली पॉलिटिकल होली से नजर आ रही है। गाजियाबाद में आता देखा जा रहा है कि भीड़ है, ग्राहकों की जो बच्चे हैं वह होली की जो पिचकारी खरीदते हैं, मोदी और योगी की तस्वीर लगी पिचकारी आता खरीद रहे हैं। मार्केट में इस बार होली की जो पिचकारी है वह योगी और मोदी के नाम की जो पिचकारी लगी है उसे खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रही है। क्या नाम है आपका? अतुल। आप यहाँ पिचकारी लेने आओ, कौन सी पिचकारी ले रहे हो? यही मोदी योगी वाली। क्यों ले रहे हो? इन्होंने अच्छा काम करा है, फ्री में राशन बांटे हैं, तेल नमक सब ये बांटा है। आप कौन सी क्लास में हो? 6। मतलब कैसे देखते हो योगी जी और मोदी जी को, कैसे क्यों और किस वजह से पसंद करते हो? भाई, फ्री में उन्होंने राशन बांटा है और सब अपने देश को संभाल रहे हैं, तो इसलिए हम पसंद करते हैं। तो आपके परिवार को ही मिला राशन? हाँ। तो इसी पिचकारी को यूज करोगे होली पर? नहीं, और भी लेंगे बड़ी वाली। मेरा नाम रोहित है। कौन सी पिचकारी आप ले रहे हैं? मैं तो योगी मोदी के लिए आया हूँ। अच्छा, क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं और वो ही चल रहे योगी मोदी, हम उन्हीं के। अखिलेश यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं थी क्या, या नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है। क्यों? आदमी बेकार है, आदमी सही नहीं है। अच्छा, कितने लोकप्रिय हो रहे हैं, पॉलिटिकल रंग जो है होली पर चढ़ गया, ये कहेंगे जब योगी मोदी की पिचकारी आ गई है? हाँ, तो देखो योगी मोदी की पिचकारी आ गई है, उसी से पता लग रहा है जी। और यहाँ पर सारे योगी मोदी की ही खरीद रहे हैं। पेपर दिखा दो। हेलो, हाँ भाई, मैं उठा रहा था फोन। क्या नाम है जी आपका? मुकेश नाम है मेरा। ठीक है, और क्या है? मैं तो केवल योगी जी और मोदी जी का ही पिचकारी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रेज भी इनका है और बच्चे भी छोटे बच्चे हैं मेरे। पहले वो केवल मोदी जी को जानते थे, लेकिन जब से अभी यूपी के इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से वो अभी का वातावरण देख रहे हैं, वो योगी जी को भी जानने लग गए हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कुछ डबल इंजन सरकार चल रही है जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा कर रही है, और हमको भी लगता है कि हम योगी और मोदी जी के ये इस तरह का यूज करेंगे, बच्चे यूज करेंगे, तो वो भी समझेंगे कि क्या राष्ट्र के लिए अच्छा है। और मुझे भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं से इनको इस तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं या मेरे अगल बगल के बच्चे भी यूज कर रहे हैं। तो लोकप्रियता की खास वजह और क्या नजर आ रही है? खास वजह यही है कि बच्चे सभी जानते हैं, वो राजनीति के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन वो केवल दो ही चेहरे हैं, मोदी जी और योगी जी, जिनको वो जानते हैं, जिनको वो समझते हैं। और योगी जी को तो वो बुलडोजर बाबा के नाम से बोलने लग गए, जैसे टीवी पे आते हैं बच्चे कहते हैं बुलडोजर बाबा आ गए हैं।
ठीक है, तो केवल तो बहुत लोकप्रिय हैं ये, और मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और राजनीतिक दल के कोई ऐसा नेता है जो इतने लोकप्रिय हैं, जिनको बच्चे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे 4 साल का मेरा बेटा है वो जानते हैं इन दोनों को, तो खासे लोकप्रिय हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं दूसरे के हाथ में देखा था, लेकिन अब वो अपने हाथ में इन पिचकारी को देखेंगे तो बहुत उत्साहित होंगे, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के लिए बस खबरों में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारी खबरों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।